शोर। सीएम ने आखिरी दिन चला बड़ा दा, जादूगर ने खेला राजस्थानी कार्ड, पीएम को याद दिलाया गुजराती बयान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार पर अब समय खत्म हो चुका है, मतदाता बस अब अपना वोट पिटारे में बंद करेंगे। लेकिन वोटरों को साधने के लिए 23 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बड़े से बड़े चेहरों ने मैदान में उतर कर जनता को साधने की कोशिश की। सीएम गहलोत ने तो अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए राजस्थानी होने का दाव चल दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। राजस्थान के चुनावी रण में गुरुवार को प्रचार का शोर थम गया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और पीएम मोदी सहित तमाम भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को अभिनेता और भाजपा नेताओं को षड्यंत्रकारी बता दिया, साथ ही गुजराती और राजस्थानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गुजराती यहां आकर वोट मांग रहा है, मैं कहां जाऊंगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा नेताओं को दुख है कि वो हमारी सरकार गिरा नहीं पाए, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य नेताओं ने अब चुनाव के समय राजस्थान में धावा बोल दिया है। ये 25 नवंबर के बाद मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम को चुनाव से 4 दिन पहले गिरफ्तार करने की साजिश की थी। लाल डायरी भी भाजपा की साजिश थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक्सपोज हो गए हैं। सीएम ने कहा कि राजस्थान में अब तक ईडी की छापेमारी में कोई कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुआ क्या? हमने विनती की थी कि हमारे काम और योजनाओं पर बहस करो, कमियां बताओ, उस पर बहस नहीं हो रही है, केवल भड़काने वाली स्पीच दी जा रही है। जितने भी नेता आए हैं इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत के गुजराती वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में हमने एक भी गुजराती को वोट नहीं दिया है, सभी राजस्थान की मिट्टी के लाल को ही टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने जितना पीएम मोदी को गाली दी है सबका हिसाब जनता 25 नवंबर को करेगी। अब देखना होगा कि जनता जादूगर सीएम के राजस्थानी कार्ड की भावनाओं में बहती है या फिर मोदी मैजिक की जीत होती है। इन सब का पता 3 दिसंबर को लग जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।